या हम देखो अनुर जी हम देखो अनुर जी थोड़ा हमें जाए अनुर जी अनुर जी हमें जाए अनुर जी वाह साहब वाह हमें पहले करना हमारा गिरे बिरानी ले ले रोशन जी अनुर जी सामने देखा तो ऐसा खमा मुझे बहुत गर्व है मेरे राजस्थान पर मेरे जैसलमेर पर और बाणवीर पे और ये मरुधरा और मुझे गर्व ये है कि हमारी जो जाति है जो संगीतकार ही जाति है मैं उस मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ संगीतकार जाति हमारी बनाई कलाकार जाति बनाई और उसमें मुझे गर्व है और वो भी मेरी जजमन प्रथा और लोक संगीत पारंपरिक कई पीढ़ियों और कई सालों तक और मेरी जजमन प्रथा उनके हमने जन्म से लेकर और बुजुर्ग तक हमने हमारे बुजुर्गों ने गाया है वो आज कई पीढ़ियों और सालों तक अभी तक वो चल रहा है हमें बहुत गर्व है ये सम्मान उसका है और हर टाइम जन्म से लेकर बुजुर्ग तक का जो हर विषय के अंदर हमारे बुजुर्गों ने गाया है मुझे बहुत गर्व है और बहुत खुशी है और मैं ये चाहता हूँ मुझे मेरा संदेश है मेरी जो आने वाली पीढ़ी है वो गावे और बजाओ और पढ़ाई के साथ में गावे और बजाओ ये बहुत खुशी है मुझे। अच्छा राष्ट्रपति जी के हाथों दो बार आपको सम्मानित होने का अवसर मिला है जो कलाकार दूसरे आपकी बिरादरी से या जो कला से जुड़े हुए उनको क्या संदेश देना चाहते हो आप? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ बाड़मेर में आज मैं बाड़मेर में हूँ बाड़मेर यहाँ मगरा जी जैन को यहाँ पद्मश्री मिली और जैसलमेर जिले में वहाँ साकर जी को मिली पद्मश्री तो मुझे बहुत गर्व है मैं ये संदेश ये देना चाहता हूँ कि मुझे मेरे परिवार को और मेरे समाज को गावे बजावे और अपनी कला और भरपूर रहे और जो हमारी जजमन प्रथा है जो पुरानी जो कला है जो संगीत है उसको रखना चाहिए उन्होंने दौलत बचा के रखी है वो दौलत हमारे को बचा के रखना है। अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी वहाँ पे क्या कोई बात हुई कोई आपने कहा कि भाई कला को संरक्षण देने के लिए कुछ करिए? जी बिल्कुल मैंने अर्ज किया वहाँ मोदी साहब वहाँ थे और उन्होंने मुझे भारत सरकार में शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी बड़ी मेहरबानी है उन्होंने ही मुझे पद्मश्री ये पद्मश्री मेरे या मेरे जैसलमेर बाड़मेर मेरे राजस्थान की पद्मश्री है और मेरे जजमानी प्रथा की मेरे समाज की आने वाली पीढ़ी की ये पद्मश्री है।